वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्रोकली की टिक्की की रेसिपी, जो कि आप 1 साल से प्लस बच्चों को खिला सकते हैं, और अगर आप डाइट पर हैं तो आप भी इसे ले सकते हैं। ये आप दोनों को ही बहुत पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ब्रोकली है, जिसको सबसे पहले हम बॉयल करेंगे। तो पानी में मैंने ब्रोकली को डाल दिया है, गैस का फ्लेम एकदम हाई है। अब हम इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल कर लेंगे। तो देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और जो ब्रोकली है वो अच्छे से बॉईल हो गई है। अब हम इसे निकाल कर एक बर्तन में रख देंगे। तो मैंने ब्रोकली को निकाल कर एक अलग बर्तन में रख दिया है। जैसे ही ये हल्की सी ठंडी हो जाएगी, हम इसे मिक्सर में डालकर इसका अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। तो मैंने इसमें ब्रोकली डाली है और इसमें 2 से 3 चम्मच डाला है मैंने ओट्स। तो हम इसी तरीके से बाकी सभी ब्रोकली को ओट्स के साथ पीस के इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। जब आप ब्रोकली को ग्राइंड करेंगे तो आप बस इतने ही ओट्स इसमें डालें, जिससे कि टिक्की बाइंड करने में इजी हो। बहुत ज़्यादा ओट्स डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस हम सिर्फ बाइंडिंग के लिए इसमें ओट्स को डाला है। इसमें हमने नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप ये अपने लिए बना रहे हैं, किसी बड़े के लिए, तो आप इसमें थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। बट अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें सिर्फ नमक ऐड करें। तो देखिए अब हम इसकी जो है छोटी छोटी सी टिक्की बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप छोटा सा ऐसा पोर्शन लें, इसको ऐसे राउंड करके हाथों की सहायता से उसको इस तरीके से प्रेस कर दें, और हमारी ओट्स की टिक्की बनकर एकदम तैयार हो गई है। हम सभी टिक्कियों को ऐसे बना लेंगे। तो चलिए अब हम इसको जो है सेक लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं किया है, हम हल्का सा ऑयल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा पैन में घी डाला, उसमें हमने ये टिक्कियाँ रख दी और इसको अच्छी तरीके से हम चारों तरफ से सेक लेंगे। तो हमारी ब्रोकली की टिक्की बनकर एकदम तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।